सर एक्चुअली ये बहुत ही हिस्टोरिक डे था कल मेरे लिए. कल लास्ट दिन था जगह जासूस की शूट का एंड मैं बहुत खुश हूँ फिल्म को लेकर. जैसे आप सब जानते हैं मेरी पहली फिल्म एज अ प्रोड्यूसर है. सो वेरी एक्साइटेड. फिल्म 14 जुलाई को रिलीज़ होगी एंड आई होप यू नो कि आप सब मीडिया वालों का सपोर्ट मिले, प्यार मिले एंड आई होप दैट द ऑडियंस लाइक्स इट. नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है. कटरीना बहुत मेहनत से उन्होंने इस फिल्म पर काम किया है और ये जितनी मेरी फिल्म है उतनी उसकी फिल्म भी है एंड बहुत अच्छी तरह प्रमोट करेंगे, बहुत अच्छी तरह रिलीज़ करेंगे. जैसे मैंने कहा कि जब हम फिल्म बनाते हैं बहुत मेहनत से बनाते हैं, प्यार से बनाते हैं एंड वी लाइक टू पुट इट अक्रॉस इन द बेस्ट वे पॉसिबल. नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है. कटरीना बहुत मेहनत से उन्होंने इस फिल्म पर काम किया है और ये जितनी मेरी फिल्म है उतनी उसकी फिल्म भी है एंड बहुत अच्छी तरह प्रमोट करेंगे, बहुत अच्छी तरह रिलीज़ करेंगे. जैसे मैंने कहा कि जब हम फिल्म बनाते हैं बहुत मेहनत से बनाते हैं, प्यार से बनाते हैं एंड वी लाइक टू पुट इट अक्रॉस इन द बेस्ट वे पॉसिबल. Big man is there. लोकमत जो एक्चुअली वो आई ग्रो अप इन नागपुर और वहीं का न्यूज़पेपर है और खुशी की बात है कि वो महाराष्ट्र ऑफ द ईयर से लोगों को सम्मानित कर रहे हैं इस अवार्ड से. मुझे लगता है कि जितने लोगों को इस तरह से ऑनर किया जाएगा दे गेट मोर इंस्पायर्ड और ज़्यादा प्रेरित होते हैं इस किस्म का काम करने के लिए. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. बहुत अच्छा महसूस हो रहा है. मैं जो कुछ भी हूँ, मेरा परिवार जो कुछ भी है, हम मुंबई की वजह से, महाराष्ट्र की वजह से एंड जैसे जब लोकमत जैसा प्रेजेंटेशन आपको इतना सम्मान देता है बहुत अच्छा लगता है एंड आई होप के आई कैन इक्वली मेक देम प्राउड. आई मिस यू टू. बट जैसे कि आप जानते हैं कि हम संजय दत्त बायोपिक पर काम करें तो काफ़ी शूटिंग हो रही थी. अभी 60% कंप्लीट है फिल्म, फिर चला 40% टू गो. कोई कारण है और मेरी कोई फिल्म रिलीज़ नहीं हुई तो अब ज़्यादातर रिलीज़ पर देखते मुझे. नहीं मुझे रणबीर कपूर बोले, मैं संजू बाबा जैसा कभी बन नहीं सकता. बहुत मज़ा आ रहा है उनका, उनकी जो लाइफ है, उनकी जो जिंदगी है उसका एक हिस्सा बनना. टू वर्क विद राजू सर इज़ रियली अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी.